डॉक्टर को कह दिया कि मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूँगा, न मुझे अस्पताल ले जाने की कोई आवश्यकता है। और जब पहले मुझे एम्स में ले जाया गया था तब वहाँ पे कहा गया था कि नहीं, इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, नहीं ट्रीटमेंट लेने को तैयार हूँ। जब मैं ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं हूँ और डॉक्टर से कहते हैं कि बिना मेरी कॉन्सेंट के ट्रीटमेंट नहीं दे, मुझे अस्पताल भेजने का क्या अर्थ है? प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, डॉक्टर कितनी भी आवश्यकता हो ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट नहीं दे सकता और प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है। मेरा जीवन मेरा है, इस पर किसी का अधिकार नहीं है। अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं चाहता तो किसी को ट्रीटमेंट देने का अधिकार नहीं है। और यहाँ प्रशासन अपने अधिकार से बाहर जा रहा है, किसी नागरिक की स्वतंत्रता छीनने का उनको अधिकार नहीं है। अगर मेरा स्वास्थ्य खराब है तो मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर अपने आप ये कर आकर नहीं कह सकता कि मुझे इलाज करना है। प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है मुझे अस्पताल भेजने का। मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ और अपने आप निर्णय करता हूँ मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना। जब मैं एम्स में था उन्होंने मेरा मेडिकल परीक्षण किया था और जो मेंटल केयर एक्ट की धारा 115 है उसके अंतर्गत इनको मेरा ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट करने का, अस्पताल में भरने का कोई अधिकार नहीं। तो आपको अरेस्ट कर लिया है तो इसलिए कोई बात नहीं। अरेस्ट मुझे पता नहीं कौन सी धारा में किया है और 115 धारा स्पष्ट कहती है, 309 अब कोई धारा नहीं है, सुसाइड की धारा जो थी वो हट गई है। और उपवास करना कोई अपराध नहीं है। तो क्या गुरुजी अनशन तपस्या उपवास जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। और यहाँ प्रश्न यही है कि अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती की जाती है तो जितनी मुझ में शक्ति है मैं उस ज़बरदस्ती का मुकाबला करूँगा, और जब मेरी शक्ति नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने एम्स में भी और दून हॉस्पिटल में भी स्पष्ट कह दिया था कि अगर मुझे ड्रिप लगाई जाएगी ज़बरदस्ती, जैसे ही मेरा मौका लगेगा मैं ड्रिप निकाल के, केवल ड्रिप नहीं निकाल दूंगा, बोतल फेंक के तोड़ दूंगा। अब ये तो एक प्रश्न है कि अगर दो आदमी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और सिरिंज लगाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, लेकिन मेरा उपवास जारी रहेगा।